वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म जो है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है 4 आप लोग का उसका। बच्चों आज मैं पार्ट थर्ड वीडियो बना रहा हूं तो जो वीडियो में से जो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो वो उन वीडियो को भी जाके देख लेना बच्चों, जिसमें इससे पिछले वाले में मैंने मैग्नेटिक फोर्स का करवाया है टॉपिक, उससे पिछले वाले में मैं मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक करवाया हूं, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके जरूर देख लो। नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो टॉपिक, सबसे पहले तो मैं टॉर्क की बात करूंगा कि किसी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप पे किस तरह से टॉर्क लगता है, उसके लिए क्या डेरिवेशन होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसकी सेंसिटिविटी की बात करेंगे जिसमें करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसके बाद गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के क्या कंडीशंस होते हैं, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के क्या कंडीशंस होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी और एसएल अरोरा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है उन सबको भी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं, तो देखते हैं। देखो बच्चों क्या है कि अगर मान लो हम लोग टॉपिक बच्चों डिस्कस क्या कर रहे हैं हम लोग कि मैग्नेटिक, ये देखो बच्चों, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं बेटा कि ये जो है हमारा पी क्यू आर एस, ठीक है, ये जो है एक रेक्टेंगुलर लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देखो नॉर्थ साउथ जो है यहां से दे रखा है मैग्नेट का, है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और अगर मान लो बच्चों करंट को मैंने इसमें इस तरह से सप्लाई कर दिया तो आपसे कह रहा है कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा इसको आप लोग फाइंड कर लो। ठीक है, तो बच्चों इसको समझना से आसान है, एक चीज मैं चाहता हूं आप लोग को पहले समझा दूं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जनरल रिलेशन यही है लेकिन समझाने के लिए बच्चों मैं एक अलग से रिलेशन भी ले लेता हूं मैं आप लोग को, ताकि और आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, जो एनसीईआरटी ने सबसे पहले यही दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं बेटा जी कि ये एक लूप है, मान लेते हैं बेटा ये नॉर्थ और ये साउथ ले लिया, ठीक है, नॉर्थ ले लिया और साउथ ले लिया, ये ले लिया हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और इसमें बच्चों करंट मैंने इस तरह से सप्लाई कर दिया, ठीक है, और इस लेंथ को ले लिया मैंने स्मॉल एल और इस लेंथ को ले लिया बच्चों जैसे कि एक्सिस तक बी बाई टू, यहां भी एक्सिस से आगे बी बाई टू। ठीक है बच्चों, ये लूप है। अब देखो बच्चों क्या होगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो आप लोग को लास्ट क्लास में बच्चों बताया था कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे हम लोग पता करते हैं, जिसमें बताया था फोर फिंगर फॉर फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर करंट और थंब फॉर थ्रस्ट, यानी कि फोर्स। तो अब देखो बच्चों करंट जा रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर सेंट्रल फिंगर ले लिया लेकिन फील्ड है हमारा उस डायरेक्शन में, है ना। तो अब देखो बच्चों फील्ड उधर चला गया, करंट हमारा ऊपर है तो थंब कहां लग रहा है, नीचे, यानी कि इसमें जो बच्चों फोर्स लगेगा वो बोर्ड के अंदर की तरफ लगेगा। तो इस फोर्स को मैं ऐसे दिखा देता हूं और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, आई एल बी, है ना बच्चों, जो किसका लेंथ है एल, मैग्नेटिक फील्ड है बी और करंट है आई। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों जब करंट इसमें ऐसे आएगा, इसमें अगर आप चेक करोगे करंट की ये डायरेक्शन, बी की ये डायरेक्शन, तो थंब किधर आ रहा है, इधर की तरफ। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा कि इसको मैं इधर दिखा देता हूं, ठीक है, तो ये जो फोर्स है, मतलब ये सोच लो बच्चों कि ये अगर प्लेन है तो इसके इस एंड पे लग रहा है फोर्स अंदर की तरफ और इस पे लग रहा है बाहर की तरफ और ये रोटेट करेगा इस बीच वाले एक्सिस के ओर इस तरह से, है ना बच्चों। तो ऐसे में देखो बच्चों और यहां पर देखो इस पोर्शन और इस पोर्शन को देखो बच्चों, तो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, टॉर्क जीरो, है ना, मतलब फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स होता है आई एल बी साइन थीटा, है ना, तो जिसमें थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच की डायरेक्शन के लिए जो है एंगल होता है वो, तो बच्चे करंट भी इधर ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, इसलिए क्या होगा बच्चों, फोर्स क्या होगा, जीरो, किस पोर्शन पे, इस दोनों कॉर्नर पे, मतलब अगर ये पी क्यू होता और ये आर एस होता तो कहते हैं आपकी फोर्स ऑन पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू पे भी फोर्स जीरो, आर एस पे भी फोर्स जीरो, और हमने एस पी भी दिखा दिया कि फोर्स अंदर लगेगा और इस पे दिखा दिया क्यू आर पे फोर्स बाहर लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों नेट फोर्स तो अभी भी जीरो ही है क्योंकि जितना अंदर लग रहा है उतना ही ये बाहर लगा रहा है ना, लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चों, टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का रिलेशन होता है बच्चों आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। आर परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है बच्चों, देखो आर परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जहां भी फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो बच्चों यहां पर फोर्स इस साइड लग रहा है
आर परपेंडिकुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि जहां पर फोर्स लग रहा है वहां और जो एक्सिस है वहां, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को कहते हैं आर परपेंडिकुलर। जो बच्चों यहां दिख रहा होगा आपको बी बाई टू है ना, तो आप कहोगे यहां पर क्या होगा बी बाई टू इंटू फोर्स, ये इसके कारण। तो ये मान लो बच्चों फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो ये इसको ऐसे रोटेट करवाएगा और ये पोर्शन उसको अंदर घुमाएगा, ठीक है। मतलब बच्चों ये सोच लो आप लोग कि इस पर इधर फोर्स लग रहा है तो ये इधर घुमाएगा और ये पोर्शन अंदर इसको घुमाएगा इस तरह से, तो दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन लग रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए भी यही लिख लेंगे बी बाई टू इंटू एफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं बच्चों, नेक्स्ट में लिख लेंगे बी, देखो बी बाई टू प्लस बी बाई टू मिलकर क्या होगा बी, और एफ की जगह पे क्या करेंगे आई एल बी, है ना बच्चों। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा टॉर्क आ जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप पे यहां पर लिख दूं मैं, यानी कि टॉर्क आ जाएगा बच्चों आई एल बी इंटू बी, यानी कि देखो आई इंटू एरिया इंटू बी, और आई इंटू एरिया होता है मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम इंटू बी, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों टॉर्क का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसी, अब हम इसमें वापस आते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना बच्चे कि ये एंगल लेकर के हमें दिखाना है, ठीक है। तो एंगल मैंने क्या किया कि इस लूप को इस तरह से लिया कि इस लूप का जो परपेंडिकुलर है वो है स्मॉल एम, और ठीक है ना बच्चों। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, देखो बच्चों ये बोर्ड अगर प्लेन है ना, तो इसकी एरिया की डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर, और वही होगा हमारा स्मॉल एम की भी डायरेक्शन। तो यानी कि सोच लो हमारा स्मॉल एम की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसके साथ ये जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है बच्चों। और इस तरह से बच्चों एंगल दे रखा है हमारा, ठीक है। तो अगर मान लो बच्चे हम लोग इस तरह से बात करेंगे, है ना, तो ये डिस्टेंस क्या है हमारा, इतना छोटा सा डिस्टेंस, जैसे देखो एनसीईआरटी में दे रखा था ए बाई टू, लेकिन मैंने क्या लिया बच्चों बी बाई टू इसको लिया है, तो मैं इसको भी क्या करने वाला हूं, मैं बी कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये बच्चे मैंने ले लिया बी, है ना। तो देखो बेटा ये डिस्टेंस बी बाई टू, तो ये डिस्टेंस भी क्या है बच्चों हमारा बी बाई टू, दिस इज योर बी बाई टू डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ठीक है, ओके बच्चों। तो अब देखो बच्चे अगर ये देखो, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारा होगा थीटा, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, ठीक है, कि देखो ये बी बाई टू है तो ये कितना हो जाएगा बी बाई टू साइन थीटा, और इसी तरह से बच्चों अगर यहां लेते तो यहां भी बी बाई टू साइन थीटा आता, ठीक है। बच्चों कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपल आर परपेंडिकुलर को यहां पर लिखा था बी बाई टू, ठीक है, और वो यहां पर आर परपेंडिकुलर होगा बी बाई टू साइन थीटा। तो आप टॉर्क इक्वल टू कहोगे टू इंटू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, यानी कि टू इंटू आई एल बी इंटू बच्चों क्या होगा ये बी बाई टू साइन थीटा, तो टू से टू कैंसिल, तो आई इंटू एल बी इंटू बी साइन थीटा, ठीक है, यानी कि आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। यानी कि अब देखो आई इंटू ए को क्या लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम बी साइन थीटा, ठीक है बच्चों, ये आ गया टॉर्क। तो लेकिन बच्चों इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो टॉर्क इक्वल टू लिखेंगे हम लोग एम क्रॉस बी, जहां स्मॉल एम क्या होता है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट, हियर स्मॉल एम क्या होगा बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स अगर दे रखा होता एन आई ए, लेकिन यहां मैंने एक ही टर्न लिया है इसलिए सिंपली आई ए को लिख लिया मैंने स्मॉल एम, ये क्या कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये होता है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन होती है, और ये एरिया की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या है क्विक रिविजन मैं आप फटाफट बताता हूं, देखो टॉपिक क्या है टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मैंने एक यहां पर क्वाइल ले रखा है, ठीक है, इस पर मुझे टॉर्क की वैल्यू फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो साइड है और ये जो साइड है, ठीक है, इस दोनों पर जो बच्चों फोर्स लगेगा हमारा, है ना, तो उसमें देखोगे बच्चों तो फोर्स क्या लगता है हमारा, लेंथ है एल करेंट है आई, तो फोर्स लगता है आई एल बी, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा कि अब जो एक्सिस हमारा हुआ ये, वो एक्सिस कहां से पास कर रहा है यहां से,
और ये डिस्टेंस है बेटा जी बी बाई टू, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा हमारा बी बाई टू साइन थीटा। ऐसे इसी इस फोर्स के लिए भी क्या होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है हमारा बी बाई टू साइन थीटा। तो मैंने कहा दोनों के कारण जो नेट टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, टू इंटू फोर्स की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, आई एल बी, ठीक है बच्चों, ये फोर्स की जगह पे पुट किया, दैट इंटू आर परपेंडिकुलर था बी बाई टू साइन थीटा। अब देखो बच्चों टू से टू कैंसिल, एल इंटू स्मॉल बी क्या हो गया एरिया, तो आई इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। और मैंने क्या क्या स्मॉल एम होता है एन आई ए, जहां एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहां पर एक ही कॉइल था इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स वन हो गया, तो आई ए को क्या लिखेंगे स्मॉल एम, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, ये है बच्चों जनरल रिलेशन, ठीक है, कि जब आपको डिराइव करने के लिए कहेगा तो ये करोगे बेटा तो बेस्ट होगा, लेकिन समझने के लिए बच्चों मैंने पहले बता दिया, क्योंकि एनसीईआरटी भी पहले यही बताता है, एनसीईआरटी यही कहता है पहले बच्चों को इसी तरह से समझाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसमें मैंने आपको लोग को समझाया था कि देखो बच्चों ये है हमारा कॉइल में करंट, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो देखो पीक्यू और आरएस, पीक्यू में क्या था थीटा जो था, मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है दोनों सेम डायरेक्शन में था, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में था, है ना बच्चों। तो इस केस में लग जाता हमारा थीटा जीरो डिग्री, इस केस में इसमें लगता थीटा 180 डिग्री, दोनों ही केस में फोर्स क्या होता जीरो, यानी कि पीक्यू पे और आरएस पे कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है बच्चे। लेकिन ये जो एसपी है इस पर फोर्स लगेगा, वो मैंने आपको लेके बताया था कि करंट हमारा ऊपर जा रहा है, फील्ड हमारा जा रहा है उधर, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा अंदर की तरफ, और इस पर बोला था मैंने कि देखो करंट जा रहा है नीचे, फील्ड है इधर, तो फोर्स किधर लगेगा इधर, तो मैंने कहा कि इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, और उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ b/2, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया कि नेट टॉर्क जो है हमने दोनों के कारण निकाला, तो b/2 प्लस b/2 बी हो गया। अब देखो बी इंटू एल को लिख दिया मैंने एरिया, और ये आ गया रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया बच्चों, तो ये था बच्चों रिलेशन हमारा टॉर्क का, ठीक है। अब इसी टॉर्क वाले रिलेशन को बच्चों यूज करते हुए आपको आएगा एक मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर और उसकी सेंसिटिविटी, ठीक है, कि सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। तो देखो बच्चों मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर जो होगा बच्चों, इसमें क्या किया बच्चों, मैंने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए ऐसे ले लिया, ये लूप ले लिया, है ना। अब मान लो बच्चों इसमें इस तरह से मैंने ढेर सारे क्वाइल लगा दिए, ठीक है, ये है नॉर्थ पोल और ये है बच्चों साउथ पोल, ठीक है, ये ऐसे दिखाने को बेटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, ये जो क्वाइल है हमारा, ठीक है ना, जो ढेर सारे क्वाइल इसमें लपेटे हुए, ठीक है, तो आपको बच्चों पता है कि टॉर्क ऑन द क्वाइल जो होगा हमारा, टॉर्क ऑन क्वाइल होगा हमारा एन आई ए बी, ठीक है। और हमने क्या किया बच्चे, इस तरह से रखा है क्वाइल को, देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, ठीक है, और इसको हम इस तरह से रखे हैं कि यहां पर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो NIAB हो जाएगा मैक्सिमम। फिर से बच्चों बताता हूं, देखो ये गैल्वेनोमीटर होता क्या है बच्चों, इसको समझते हैं। देखो क्या होता है कि एक क्वाइल होता है बच्चों, ठीक है, इस क्वाइल को समझने के लिए अगर कहो तो मैं इसको दूसरा डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, जिस जैसे अभी हमने बताया था ना बच्चे उसी तरह से, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है कि अगर मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर ले लिया क्वाइल, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर क्वाइल ले लिया, ढेर सारा क्वाइल दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मान लो बच्चा यहां पर एक हमने मिरर लगा दिया, ठीक है, यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है बच्चों। अब जैसे बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो आपको पता ही है कि क्या होता है बच्चों कि इस क्वाइल पे लगेगा टॉर्क, ठीक है, जिसके कारण क्या करेगा क्वाइल टर्न करेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है, पूरा तो नहीं घूम पाएगा, थोड़ा सा घूमेगा, ठीक है। तो अगर ये बच्चा ये क्वाइल अगर घूमेगा तो क्या होगा, यह जो मिरर लगा हुआ है तो सामने एक बल्ब जलती रहती है, उसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा फिर घूम जाएगा, और इससे ये पता चल जाता है कि करंट यहां पर फ्लो कर रहा है,
ठीक है बच्चों। तो हर जगह बच्चों यही कंसेप्ट है कि टॉर्क होता है हमारा एन आई ए बी, ठीक है। तो इस टॉर्क के कारण ही ये क्वाइल जो है ये टर्न करता है। लेकिन जब बच्चों क्वाइल टर्न करेगा है ना, तो उसको टर्न करने से रोकने के लिए भी जो होता है, एक होता है हमारा इस क्वाइल की अपनी टॉर्सिनल कॉन्स्टेंट, जो क्या करता है कि इसको रोकता है, ठीक है। तो बच्चों उस कंडीशन में लिखेंगे कि क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना क्वाइल ज्यादा एंगल से टर्न किया, आपने क्या कहा कि ज्यादा टॉर्क लगा होगा, है ना बच्चों। क्योंकि सीधी सी बात है बच्चों, टॉर्क हमारा क्या होता है एन आई ए बी, है ना, यानी कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा वो टॉर्क लगेगा और उतना ज्यादा वो क्वाइल टर्न करेगा, ठीक है। तो टर्न करेगा तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना एंगल से टर्न करेगा उतना ही टॉर्क। तो अगर हम इसको हम कांस्टेंट लगा लें तो टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों के इंटू थीटा, ठीक है। यहां कहोगे हेयर के इज कांस्टेंट, हेयर के इज कांस्टेंट कॉल्ड टॉर्सिनल कांस्टेंट, कॉल्ड टॉर्सिनल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों टॉर्क का रिलेशन एक ये आ गया, टॉर्क का एक रिलेशन ये आ चुका है हमारा एन आई ए बी, है ना बच्चों। तो बच्चों दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, देखो कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एन आई ए बी इक्वल्स टू क्या होगा के इंटू थीटा, इसलिए आई क्या हो जाएगा हमारा के अपॉन में एन ए बी इंटू थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बच्चों हमारा, ठीक है। तो अब देखो कोई भी जो हमने गैल्वेनोमीटर लिया है उसकी सेंसिटिविटी जो है किस चीज पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहले देखते हैं सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ। तो देखो बच्चों कोई भी हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव तभी कहलाएगा कि छोटे से छोटे करंट के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, है ना बच्चों। मान लो ये करंट की वैल्यू स्मॉल है ना, तो अगर इसकी वैल्यू भी काफी छोटी हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसी कहते हैं हम लोग सेंसिटिविटी, मतलब आप अगर 1 mA करंट सप्लाई कर दो तब भी एक जो है मेजरेबल अमाउंट ऑफ एंगल से वो टर्न कर गया तो आपको भी ये सेंसिटिव है। लेकिन अगर वो बिल्कुल बहुत ही कम डिग्री से टर्न किया, यहां तक कि आपको पता ही नहीं चला कि हिला भी है कि नहीं, तो उसको कह सकते हैं ये कम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो सेंसिटिविटी बच्चों बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू को हमें कम करना पड़ेगा किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के लिए। इसके लिए एन बढ़ाना पड़ेगा, ए बढ़ाना पड़ेगा, बी बढ़ाना पड़ेगा और के की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी सेंसिटिविटी को बच्चों पढ़ते हैं हम लोग, इसको मैं रब कर देता हूं, यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है। तो वो बच्चों टर्म आता है हमारा करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो सबसे पहला है टॉपिक बच्चों करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, इसको बच्चों आई एस से नोट करते हैं, ये होता है बेसिकली थीटा बाय आई, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि यहां से देखो बच्चों अगर हम दोनों को रिलेट कर लें, ठीक है, इस दोनों से, मतलब इसको इक्वेशन 3 लिख लेते हैं मान लो, तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 बच्चों हमें थीटा बाय आई की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा बाय क्या हो जाएगा, थीटा बाय आई इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, आई को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा एन ए बी बाय के, है ना। तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू एन ए बी बाय के, यानी कि बच्चों करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होगा एन ए बी अपॉन में के, इसको कहेंगे हम लोग करंट सेंसिटिविटी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं इसको फिलहाल हटा देता हूं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों पूछा जा सकता है कि करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो लिख लेंगे हम लोग कि करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीजेस बाय फर्स्ट, अब बच्चों हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो एन बढ़ाएं, ए बढ़ाएं, बी बढ़ाएं और के की वैल्यू को कम करें, तो कह सकते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ
टर्न्स। मतलब बच्चों देखो, अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें पहले एक क्वाइल था, फिर मैंने क्या कहा ढेर सारे क्वाइल ले लेते हैं ना, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा जो है इसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। दूसरी बात, बाय इंक्रीजिंग एरिया। लेकिन उसमें भी क्या है बच्चों, लिमिट है कि अब इससे ज्यादा तो नहीं, जैसे मान लो यहां अगर हमारा मैग्नेट है तो इससे ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते हम लोग, लेकिन जितना लार्जर एरिया होगा उतना अच्छा सेंसिटिविटी होता है। ठीक है बच्चों, थर्ड होगा बच्चों बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बच्चों, इस टर्म जो है मैग्नेटिक फील्ड को हमें इंक्रीज करने से बढ़ेगा, ये बात तो आप समझ गए। लेकिन बच्चों इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इसमें से आपसे कहा जाएगा, देखो यहां पर जो मैंने लिया ना, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिया है। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि वो फोकस्ड होता है एक पॉइंट की तरफ, है ना, ताकि जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है बच्चे, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि इसके सेंटर पे ना कभी कभी एक सॉफ्ट आयरन भी लगा दिया जाता है, सॉफ्ट आयरन का कोर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की खासियत क्या होती है बच्चों कि इसमें लगा देने के बाद वो मैग्नेटाइज होने के बाद खुद भी मैग्नेटिक फील्ड देने लगता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां बढ़ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि यहां पर सेंसिटिविटी इसकी बढ़ जाएगी। और फोर्थ पार्ट है इसका, बाय डिक्रीजिंग टॉर्सिनल कांस्टेंट, है ना बच्चों, जितना ज्यादा हमारा अच्छा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा उसकी के वैल्यू उतनी कम होनी चाहिए, मतलब उतना लूज होना चाहिए ताकि हल्का करंट पे भी ज्यादा से ज्यादा मूव कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये तो था बच्चों हमारा करंट सेंसिटिविटी। इसके बाद आता है बच्चों हमारा रिलेशन वोल्टेज सेंसिटिविटी का। ठीक है, तो जैसा बच्चे करंट सेंसिटिविटी था लगभग उसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि Vs, है ना बच्चों, तो ये भी किसके इक्वल होगा, तो थीटा बाय V के, है ना, तो बच्चों Vs को मैं लिखूंगा थीटा बाय IR, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, थीटा बाय I और 1 बाय R, और थीटा बाय को क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस, है ना बच्चों, और करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू तो हमें पता ही है, वो क्या आ चुका है NAB/K, है ना बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है बच्चों, तो अब आप कह सकते हो कि सर देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीजिंग एरिया, बाय इंक्रीजिंग बी, बाय डिक्रीजिंग के, लेकिन बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स के इंक्रीज या डिक्रीज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों आप लोग को पता ही है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग बनाते हैं वो इस तरह से बढ़ता है ना, यानी कि वायर को घुमा घुमा के हम लोग बनाते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, तो जितनी वायर को हम टर्न्स बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा लेंथ हमें लेनी पड़ेगी, और लेंथ जितना लेंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना, तो जो क्या करेगा इसकी इफेक्ट को नलिफाई कर देगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चे कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑन वोल्टेज सेंसिटिविटी because by increasing it, resistance also increases, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, which nullify the effect of increasing turns
ठीक है बच्चों, तो इंक्रीजिंग टर्म्स को वो नलीफाई कर देता है। तो बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज कैसे होगा, वी एस कैन बी इंक्रीजेस बाय, फर्स्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, इंक्रीजिंग एरिया, सेकेंड पार्ट में लिखेंगे इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, और थर्ड लिखेंगे डिक्रीजिंग टॉर्सिनल कांस्टेंट के, ठीक है बच्चों, डिक्रीजिंग टॉर्सिनल कांस्टेंट के, ठीक है। तो इन सब तरीके से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमेट्रिक सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने वाले हैं एमीटर में, वोल्टमीटर में, और देखते हैं उसके लिए किस तरह के रेजिस्टेंस की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं बच्चों, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। यह बेटा जी कॉमन लिख देते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर फर्स्ट लेंगे इनटू एमीटर। अब देखो बेटा एमीटर में कन्वर्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि मान लो किसी सर्किट में एक 5 ओम का रेजिस्टर था और यहां पर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी, है ना। तो बच्चों करंट कितना आएगा, 10/5 यानी कि 2 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब आप लोग ने सोचा कि क्या करते हैं कि इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को लगा देते हैं सर्किट में इस 5 ओम के साथ, क्योंकि उसने आपने सोचा ये चीज कि गैल्वेनोमीटर सीरीज में रहेगा तो इससे फायदा ये होगा कि जितना करंट इस रेजिस्टर होकर जा रहा है उतना ही गैल्वेनोमीटर से जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 एम्पियर करंट है। लेकिन बच्चों क्या हो गया प्रॉब्लम, इस बार जब आपने करंट निकाला तो आ गया 10/5+G, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में भी तो मेटल लगा हुआ, उसके कारण भी बच्चों क्या कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो अब जो आपका करंट आया वो 2 एम्पियर से कम आ गया, है ना, आना चाहिए 2 एम्पियर लेकिन आ गया कम। तो फिर क्या फायदा गैल्वेनोमीटर लगाने का, जब गलत ही इंफॉर्मेशन देगा तो हम क्या, तो क्यों लगाएंगे इसको, है ना। तो बेटा ये सही सही कब बताता, जब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि आइडियल एमीटर, है ना, आइडियल, ये नोट में बच्चों ध्यान रखना है आप लोगों को कि आइडियल एमीटर हैज रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0। आइडियल एमीटर तभी होगा बच्चों जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0, ठीक है। लेकिन बच्चों 0 रेजिस्टेंस तो हम लोग लगाएंगे, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को मिनिमम टू मिनिमम कर सकते हैं। कैसे, तो बच्चों आप लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रिलेशन पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है बच्चों कि अगर दो रेजिस्टर को सीरीज में लगाते हो तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ज्यादा होता है रेजिस्टेंस उससे भी इक्विवेलेंट ज्यादा हो जाता है। मतलब एक अगर 1 ओम है, दूसरा अगर 1 करोड़ ओम है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 करोड़ ओम से भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मान लो दो रेजिस्टर को अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो छोटी वाली रेजिस्टर होगी उससे भी उसका इक्विवेलेंट कम हो जाता। मतलब अगर एक मान लो आपने 1 करोड़ ले लिया, दूसरा आपने 1/1 करोड़ ले लिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 1/1 करोड़ से भी कम आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि जी को हम लोग 0 तो कर नहीं सकते, लेकिन हम जी के साथ पैरेलल में एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं सर्किट में, ठीक है बच्चों। तो अब देखो क्या बन जाएगा सिचुएशन हमारा, और जो एडिशनल सर्किट होता है उसी को कहते हैं हम लोग संट। तो मान लो बच्चे ये करंट जा रहा था हमारा इसमें, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में, ये रहा बच्चे गैल्वेनोमीटर,
यहां पर पैरेलल में मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगाया संट, ठीक है बच्चे। तो यहां से मान लो कि आ रहा था करंट I, इसमें चला गया आईजी करंट, तो इसमें कितना करंट चला जाएगा, आई माइनस आईजी। बच्चों संट समझ में आया ना, बहुत सारे बच्चों को संट समझ में नहीं आता। तो बच्चों ये थ्री पिन प्लग वगैरह दे रखा होता है आपको वहां पर, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, कभी भी टेबल फैन कनेक्ट करना होता है कर लेते हैं, चार्जर कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ये सब होता है एडिशनल सर्किट, उसी को कहते हैं संट रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक संट लगा दिया जो कि बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस का है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या रिलेशन आएगा, तो आई करंट जो आ रहा था उसमें से आईजी चला गया गैल्वेनोमीटर होकर के, और आई माइनस आईजी इसमें चला गया, ठीक है। तो अब मुझे एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो आप कहोगे पैरेलल में कि सर देखो आईजी इंटू जी होगा आपका आई माइनस आईजी इंटू एस, तो एस इक्वल टू क्या होगा, आईजी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आईजी। तो एक तो बच्चों ये रिलेशन ले सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो आईजी से डिवाइड कर दो, तब एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी अपॉन में आईजी माइनस वन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना है आपको कि देखो आई जो आता है जनरली वो आता है एम्पियर में, आईजी की वैल्यू जो जनरली दे रखा होता है क्वेश्चन में वो मिली एम्पियर में। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन आईजी ले कौन सा आई ले, इसलिए मैं आपके हेल्प के लिए बता दिया, ठीक है बच्चों। अभी मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, ठीक है, लेकिन एक बार मैं वोल्ट मीटर भी खत्म करवाता हूँ फिर इकट्ठा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चे तो अब बेटा जी इसके बाद हम लोग कर लेते हैं, समझ में आ गया बच्चों, ये था हमारा एमीटर। अब बच्चों करते हैं हम लोग इंटू वोल्ट मीटर, ठीक है। तो देखो बच्चों वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है ना। तो देखो बच्चों अगर वोल्ट मीटर के लिए बात मैंने किया तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, 2 एम्पियर का करंट है और 5 ओम का रेजिस्टर है, ये पॉइंट लिया पी, ये पॉइंट लिया क्यू। तो अगर आपसे पूछता बच्चों पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता, तो आप कहते सर करंट जा रहा है 2 और रेजिस्टेंस है 5, तो हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 10 वोल्ट, है ना बच्चों। तो मैंने समझदारी दिखाया, सोचा चलो एक गैल्वेनोमीटर को इसके साथ पैरेलल में लगा देता हूं ताकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो जितना इसके अबाउट होगा जो वोल्टेज वही इसके अबाउट भी आ जाएगा, है ना बच्चों। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि इसको लगाने से क्या हुआ, इस 2 एम्पियर जो आ रहा था उसमें से आईजी करंट चला गया इसमें, तो इसमें कितना करंट चला जाएगा, 2 − IG। तो अब जो मैं निकाल रहा हूं V डेस्ट PQ, ये क्या होगा 2 − IG × 5 यानी कि 10 − 5 IG, जबकि आना क्या चाहिए था बच्चों 10 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन आया कितना 5 IG माइनस में, है ना 10 − 5 IG। तो ये बच्चे एक्यूरेट वोल्टेज कब होगा, जब हमारा आईजी की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि इसमें कोई भी करंट जाए ही नहीं, है ना बच्चों। तो अगर मान लो बच्चों यहां का वोल्टेज V होता, है ना, तो आप कह रहे हो कि सर V तो होता है हमारा आईजी इंटू जी, तो G इक्वल्स टू क्या होगा V/IG, और जब when मैं चाहता हूं कि आईजी 0 हो जाए तो G को क्या होना पड़ेगा इन्फिनिटी, है ना। मैं चाहता हूं कि आईजी 0 हो जाए तब तो बच्चों G की क्या होनी चाहिए वैल्यू, इन्फिनिटी होगा तभी तो हो सकता है 0, ठीक है। तो यहां पर लिख लोगे बच्चों नोट में कि आइडियल वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इन्फिनिटी, है ना बच्चों, इनफाइनाइट इन्फिनिटी, है ना बच्चों। अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हो जाता तो बच्चों क्या होता, इधर कोई करंट जाता नहीं, है ना। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता बच्चों, सर्किट ओपन हो जाता, सर्किट टूट जाता तभी करंट नहीं जा पाता, है ना। तो सर्किट जब टूट ही जाएगा तो गैल्वेनोमीटर को लगाने कोई फायदा ही नहीं रहा, है ना। तो आप लोगों ने कहा कि सर कुछ भी करके इसकी रेजिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर दो,
ठीक है, ताकि जो है हमारा जो है आईजी जो है वो जीरो बेशक ना हो जाए लेकिन नियरली जीरो हो। तो इसके लिए क्या किया हमने, लिखा मैंने कि फॉर दिस वी कनेक्ट अ वेरी हाई रजिस्टर इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों ये जो गैल्वेनोमीटर था जी, इसके साथ मैंने वेरी हाई रेजिस्टेंस को लगा दिया इसमें। तो अब बच्चों वी इक्वल्स टू क्या कहोगे, कहोगे सर आई जी इंटू जी प्लस एस, तो जी प्लस एस क्या हो जाएगा वी अपॉन में आई जी, है ना बच्चों, इसलिए एस क्या हो जाएगा तो वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये आ गया बच्चों संट रेजिस्टेंस का पैरेलल में, ठीक है, जब लगाया हमने वोल्ट मीटर के केस में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि एनसीईआरटी की बुक है ना, और एसएल अरोड़ा दोनों की बुक है, तो इन सभी से टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बच्चों एक बार आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। तो जिसके पास बच्चों देखो एनसीईआरटी की बुक निकाल लो बच्चों, ठीक है, उसमें एक है एग्जाम्पल 4.13, ठीक है बच्चों। तो मैं बच्चों डायग्राम से ड्रॉ करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बस समझा दूंगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखो बच्चे एग्जाम्पल 4.13, तो बच्चे इसमें देखो डायग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है, 3 ओम 3 वोल्ट, एक लगा रखा है बच्चों एमीटर, यहां पर एक 3.00 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहां पर एक 3.00 ओम की एक रजिस्टर है, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रखा है इन द सर्किट फिगर जो दे रखा है 4.27, द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन। अब ए पार्ट में इज ए गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस 60 ओम। ए पार्ट में बेटा जी कह रखा है आपसे कि करंट क्या होगा जब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है 60 ओम, ठीक है। और बी पार्ट में कह रखा है कि ए इज द एमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर विद सम रेजिस्टेंस 0.02, ठीक है बेटा। बी पार्ट में क्या कह रखा है कि ये जो एमीटर है हमारा वो गैल्वेनोमीटर तो है 60 ओम का, ठीक है बच्चे, लेकिन इसके साथ क्या किया 0.02 का एक ओम का एक संट भी लगा दिया गया है, तब जो है आपको करंट निकालना है सर्किट में, ठीक है। और बेटा जी कह रहा है सी पार्ट में इज एन आइडियल एमीटर विथ 0 रेजिस्टेंस, और सी पार्ट में कह रखा है कि आइडियल एमीटर है, ठीक है बच्चों, यानी कि जी की वैल्यू क्या दे रखा है 0। तीनों केस में बच्चों कह रहा है आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट में देखो बच्चों करंट क्या होता है हमारा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, है ना, यही होता है। तो देखो वोल्टेज दे रखा है 3 और रेजिस्टेंस जो दे रखा है बच्चे 3 तो दिख रहा है आपको, और ए पार्ट में कह रखा है जो एमीटर है वो बेसिकली आपका एक सिर्फ गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 60 ओम। तो दिस प्लस दिस इतना एम्पियर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या होगा बच्चों कि कह रखा है कि ये जो रेजिस्टेंस है आपका गैल्वेनोमीटर वाला ये बेसिकली 60 ओम के साथ एक 0.02 लगा हुआ है आपका इसमें पैरेलल में। तो बच्चों अगर आपको दो रेजिस्टर जब पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 × R2 / R1 + R2, तो जैसे मैं यहीं पर लिख देता हूं तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा 60 × 0.02 / 60 + 0.02, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा आपका 1.2/60, है ना बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों लगभग 1.2/60 यानी कि लगभग 1/50 ओम, ठीक है। तो
अब देखो बेटा सेकंड केस में आई की जगह पे क्या लिखूंगा, वी तो थ्री ही है और ये तो फिक्स है कि थ्री है, और ये जो बेटा एमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, वन बाय देखो बेटा 12, और ये यहां से क्या हो जाएगा हमारा 1/50, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा जी 1/50 मतलब 0.02, है ना बच्चों, तो लगभग इतना आ जाएगा हमारा करंट, ठीक है। और सी पार्ट में क्या कह रहा है कि आप मान के चलो कि ये आइडियल एमीटर है ना, तो आइडियल है तो जी की वैल्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो। तब बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आई की वैल्यू 3/3 + 0 यानी कि 1 एम्पियर, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कर सकते हैं। ये बच्चों एग्जांपल था आपका 4.13, ठीक है। अब बच्चों जो है मैं चलता हूं करंट सेंसिटिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एसएल अरोड़ा की बुक से, ठीक है। इसमें बच्चों थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो बच्चों मैंने कोशिश किया है कि जो भी टॉपिक आप लोग को करवाऊं और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी मैं करवा दूं ताकि आप लोग को टॉपिक जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी बच्चों अगर कुछ कमी रहती है, आप लोग को लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बच्चों कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आप लोग को क्लियर कर दूं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन है ये 85, ठीक है बच्चे। अगर जिसके पास एसएल अरोड़ा बुक होगा बच्चों 4.61 है इसका पेज नंबर और ये एग्जांपल है 85, ठीक है। इसमें कह रहा है बच्चों, जिसको लिखना होगा बच्चों लिख सकते हो, कि टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50% इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड सो दैट The new resistance becomes twice its initial resistance. By what factor does its voltage sensitivity change? ठीक है बच्चे, देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है ये एग्जाम्पल 85 इसमें क्या, देखो बच्चों अभी तक आपको पता है बेटा कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है हमारा थीटा बाय आई, है ना, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है थीटा बाय वी, या सुन लो इसको आईएस बाय आर, ठीक है, बस इतना। अब कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में कि करंट सेंसिटिविटी को मैंने इंक्रीज करने के लिए, कितना से 50% से इंक्रीज करने के लिए हमने रेजिस्टेंस को लगभग डबल कर दिया, तो नया वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा पहले के रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों पहला वाला वोल्टेज सेंसिटिविटी तो हमारा ये है, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आया बच्चों कि सेकंड केस में क्या किया गया है कि करंट सेंसिटिविटी 50% से बढ़ गया, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों कि IS2 क्या होगा, IS + 50/100 of IS यानी कि 3/2 IS, है ना बच्चों, क्लियर है ना ये कि 50% से करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई हमारी, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि R2 जो है हमारा वो है 2R1, ठीक है, तो मैं बेटा जी VS2 की बात करूंगा तो आप क्या कहोगे IS2/2R1, यही कहोगे ना बच्चों। अब देखो IS2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3/2 IS और ये आ चुका है बच्चों 2R1 यानी कि 3/4 × IS/R1 यानी कि 3/4 × VS, है ना बच्चों, यानी कि हमारी जो सेकेंड वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई वो कितनी हो गई, तो 0.75 ऑफ ओरिजिनल या फिर 75% ऑफ ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन फिर से क्लियर कर देता हूं कि करंट सेंसिटिविटी 50% से इंक्रीज करना था, इसके लिए उसने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, तो पूछ रहा है कि नया वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा। तो आपने सबसे पहले कहा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस। अब करंट सेंसिटिविटी जो नई वाली थी वो पहली वाली में 50% बढ़ गया, मतलब नई वाली हो गई 3/2 ऑफ ओरिजिनल, और रेजिस्टेंस को मैंने क्या करना था डबल, है ना,
तब नई वाली वोल्टेज के लिए कहा, नई वाली करंट सेंसिटिविटी बाय नई वाली रेजिस्टेंस, है ना बच्चे। यहां पर कोई चाहे तो लिख सकता है IS2 बाय R2, इसको कोई चाहता तो लिख सकता था IS2 अपॉन में R2। अब R2 की वैल्यू पुट कर दिया, जो कह रहा था डबल होना है ना बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लिया बेटा, ये जो IS बाय R1 था वो क्या था हमारा VS ओरिजिनल वाला। तो ये आ गया बच्चों इस तरह से, ये आ गया बच्चों हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बच्चों मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा और क्वेश्चन आप लोग को करवा दूं इस पर, जो कि ना बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड है, वो भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। तो मान लो बच्चों एक इस तरह से कोई करंट कैरिंग लूप है और यहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखा है, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं बेटा करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। हर एक साइड की लेंथ है बच्चों L, ठीक है, इसको लिखा P, इसको लिखा Q, इसको लिखा R, है ना। अब इस सबको बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, तो आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें हर एक साइड पे कितना कितना फोर्स लगेगा, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों PQ वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, ठीक है ना। तो कहेंगे फोर्स ऑन PQ जो होगा वो क्या होगा, ILB sin 0 degree, यानी कि जीरो, क्योंकि इसमें भी करंट की डायरेक्शन इसमें बी की डायरेक्शन सेम ही है। अब लेते हैं बच्चों क्यू आर की बात, फोर्स ऑन क्यू आर, है ना। अब देखो बच्चों इसमें करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आई एल हमारा इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब देखो बच्चों ये अगर एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो यहां लिखूंगा मैं 120 डिग्री, ठीक है। ये है बी, तो फोर्स कितना हो जाएगा ILB sin 120 डिग्री, और साइन 120 वही होता है जो साइन 60 डिग्री होता है ना बच्चों। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा ILB sin 60 डिग्री, यानी कि √3/2 ILB, है ना बच्चों। अब इसकी बात करते हैं बच्चों FRP की, ठीक है, PQR था, ठीक है। तो FRP, तो इसमें देखो बच्चों बी हमारा इधर है और ये करंट इधर है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ये भी एंगल क्या होगा हमारा 120 डिग्री होगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड बच्चों इसके लिए भी क्या होगा वही आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, तो आप देखो बच्चों इसमें तो कोई फोर्स ही नहीं लगा। इसकी बात करोगे तो देखो करंट को रखेंगे बच्चों हम लोग इस तरह से और फील्ड है हमारा इस तरह से, है ना। तो फोर्स इस पर अंदर की तरफ लगेगा, इसमें देखो बेटा करंट इधर है फील्ड इधर है, ठीक है। तो अपना उस हिसाब से सोच लेना बच्चे, उसी हिसाब से फोर्स की डायरेक्शन जो है लगेगी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड हमारा इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला कंसेप्ट लेंगे, ठीक है। अब मान लो बच्चों की एक और छोटा सा है टॉपिक, जिसमें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दे दिया आपको, तब पूछेगा कि नेट फोर्स कैसे निकालोगे, ठीक है बच्चों। जब बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों अगर एक साथ काम करने लगे, ठीक है, तब जो हमारा फोर्स लगेगा बच्चों, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जब बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ काम करने लगेगा, तब जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐसे में क्या लिख सकते हो, अगर मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा QE, और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा Q×V×B, है ना बच्चों। अब अगर मान लो बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि मान लिया मैंने कि X, Y और Z, ये लिया बच्चों X, ये ले लिया मैंने Y, ठीक है, ओके बच्चों। तो अब क्या किया बच्चों, देखो इसको ले लिया, इधर ले लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब देखो बच्चा मैं चाहता हूं, ठीक है, कि वेलोसिटी को ले लूं मैं इस तरफ, ठीक है, और या वेलोसिटी को ले लेता हूं मैं जे एक्सिस की तरफ, मतलब के, और वाई की तरफ ले लेता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड को, और ये रहा बेटा जी हमारा एक चार्ज पार्टिकल। तब आपसे पूछेगा, देखो बच्चों क्या किया मैंने, इसको ले लिया मैंने जे, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ले लिया मैग्नेटिक फील्ड को, पॉजिटिव एक्स की तरफ ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात आप करोगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा बेटा Q×E, है ना,
क्यू ई आई, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स की बात करूंगा बच्चों, तो वो क्या होगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना बच्चों। तो क्यू, अब देखो वी की जगह पे क्या लिख लूंगा, वी के है ये, वी इंटू के क्रॉस बी है हमारा इधर बी जे, है ना। तो बच्चों क्या होगा, क्यू वी बी तो कॉमन आ जाएगा, के क्रॉस जे। तो बच्चों जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ रखा होगा उनको पता होगा बच्चों आई जे के, तो आई क्रॉस जे करोगे तो के, जे क्रॉस के करोगे तो आई, के क्रॉस आई करोगे तो, है ना। तो यहां बच्चों लिख रहेगा के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू वी बी आई, है ना बच्चों। ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स। और अगर मान लो इफ दिस चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम, इफ द चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम देन क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू हो जाना चाहिए जीरो, यानी कि क्यू ई माइनस क्यू वी बी इक्वल्स टू जीरो। तो क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी बी, इसीलिए आ जाएगा बच्चों ई इक्वल्स टू वी बी, यानी कि वी आ जाएगा ई बाय बी। और इसी कंसेप्ट को बच्चों यूज किया जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर में, वेलोसिटी सेलेक्टर। अब कहोगे सर ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, तो देखो बच्चों अगर मान लो आपको कहीं भी जब आपके पास ऑप्शन हो कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल हो, मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर अवेलेबल हो, और आप चाहते हो कि एक ऐसा चार्ज पार्टिकल मिले जिसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड ले लो आप 1 टेस्ला, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जितना ले लो उसका 10 टाइम्स ले लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देन आप क्या करो, अलग अलग वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को वहां से पास करवा दो, तो जिसका 10 मीटर पर सेकेंड होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट पास करता हुआ चला जाएगा, लेकिन जिसका 10 से कम या 10 से ज्यादा होगा वो लेफ्ट या राइट टर्न लेकर के चला जाएगा, वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया कि अगर आपको मान लो बेटा वेलोसिटी आपको चाहिए था 20, तो मैग्नेटिक फील्ड के 20 टाइम्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ले लो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी 20 होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, बाकी उससे कम या उससे ज्यादा वाले लेफ्ट या राइट टर्न ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये टॉपिक हमारा जो है इसी से रिलेटेड बच्चों था क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड भी, और अगर भी किसी बच्चों को बेचा कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बच्चों बहुत थोड़ा सा होगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल डायपोल इस सब के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो बेटा वो पार्ट होगा लास्ट, तो बच्चों उस वीडियो को भी देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।